पहली खबर हमें मिल रही है अमरोहा से। पति को छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है महिला। दरोगा ने महिला से 50,000 रुपए की मांग की है। पति को छोड़ने के नाम पर महिला से घूस मांगी है दरोगा ने। महिला ने दरोगा पर आरोप लगाए हैं पैसे नहीं देने पर फर्जी मुकदमे और जेल भेजने की धमकी दी है। औद्योगिक चौकी पर तैनात है दरोगा योगेंद्र मलिक। गजरौला थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, पति को छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है महिला। दरोगा ने महिला से 50,000 रुपए की घूस मांगी है। पति को छुड़ाने के नाम पर महिला से घूस मांगी है। महिला ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाया पैसे नहीं देने पर फर्जी मुकदमे और जेल भेजने की धमकी दी है। औद्योगिक चौकी पर तैनात है दरोगा योगेंद्र मलिक। गजरौला थाना क्षेत्र का मामला। मेरे घर का खाना खा रहे थे तो 5 बजे तो क्या नाम है पति का तुम्हारे? वाहिद। अच्छा फिर तो उन्हें किसी दोस्त उनके दोस्त ने फोन करा था सजाद नाम के लड़के ने। हाँ। तो उसने कहा लड़ाई झगड़ा हो गया तुम मेरे पास यहाँ आज लड़ाई झगड़े में। हाँ। मेरा झगड़ा हो रहा है ज्यादा ही तो उन्हें झगड़े के बहाने से बुलाया। हाँ। वो लड़का मोटरसाइकिल लेके निकल गया। अभी इनको मैन मुद्दा बना दिया गया है। क्या बनाया क्या है कौन मार रहा है? थाने वाले भी मार पता नहीं चौकी वाले मार रहे थाने वाले मार रहे बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर रहे हैं। 3 दिन हो गए 24 घंटे से ज्यादा हो गया ना ही से चला। कौन सी तारीख में उठाया था? परसों उठाया था। अब क्या कह रहे थे आप चौकी जा रहे हो? क्या कह रहे हैं चौकी वालों ने कल कहा कि 50,000 रुपए दे दो हमें तो चला इसकी जमानत कर देंगे नहीं 4 केस फांसी लगा के भेजेंगे। कौन कह रहे हैं ये बात? ये योगिंदर मलिक ने भी कहा है, ये सिपाही ने भी कहा।